हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा कुक विद आकांक्षा स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची राइस पापड़ी। तो चलिए बिना देरी के इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैं 1/4 कप मूंग दाल ली हूँ, जिसे अच्छे से वॉश कर ली थी। इसे पानी में डाल के मैंने फूलने के लिए छोड़ दी थी 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये अच्छे से फूल गया, अब इसे छान लेते हैं और अगले स्टेप की ओर चलते हैं। कटोरी में मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली हूँ, 1-2 अदरक का टुकड़ा ली हूँ। इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और ददरा इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसे पीस लेते हैं। बाउल में पेस्ट को निकाल लेते हैं। राइस पापड़ी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसमें 2 कप चावल का आटा डालेंगे। चावल के आटे को मैं पहले ही छान ली थी। फिर इसमें सोख किया हुआ मूंग दाल डालेंगे। मूंग दाल की जगह पे आप चना दाल भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। क्रश किया हुआ कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टेबल स्पून ली हूँ मैं। अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट तैयार किए थे उसे डाल देंगे। वन टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। पिंच हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। बारीक कटा हुआ हम करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता थोड़ा सा मेरा ड्राई हो गया था, मैं उसी को ही डाल रही हूँ। स्वाद के अनुसार सॉल्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। रोस्टेड मूंगफली को मैंने अच्छे से क्रश कर ली थी, तो इसे मैंने 1/3 कप ही लिया है। मिक्स कर लेंगे। 3 टेबल स्पून मैं घी ली थी, इसे गर्म कर ली हूँ। अब इसे डाल देंगे और इसे स्पून की सहायता से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। डो बनाने के लिए आपको हल्का गर्म पानी ही यूज़ करना होगा और इसे हाथों से ही गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसे गूंदेंगे, एक बार में बिल्कुल ज़्यादा ना डालें। इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो आपको सॉफ्ट ही डो तैयार करना है, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो जितने साइज का पूरी बनाते हैं उस साइज का लोई बना लेंगे। मैं बटर पेपर ली हूँ, उसे ऑयल से मैं ग्रीस कर दी हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो प्लास्टिक सीट भी यूज कर सकते हैं। डो को मैं इस तरीके से प्रेस करते हुए बटर पेपर को ऊपर से रख देंगे। और मैं चटनी प्लेट से प्रेस करते हुए घुमा दूंगी इस तरीके से, क्योंकि पतला ही रखना है, तो इसे इस तरीके से घुमाते जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना आसान है तैयार करना। तो सारे राइस पापड़ी तैयार कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो फ्लेम को मैं मीडियम कर दी हूँ। राइस पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। पलट पलट करते हुए पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो फ्राई हो गए हैं, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे राइस पापड़ी को फ्राई कर लेते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दे। बाय एंड टेक केयर।